नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। रेलवे ने भोपाल की वेबसाइट पर एक अपडेट जारी किया। यहाँ देखिएगा 4/2/2021 से को ये अपडेट आया और यहाँ हम देख लेते हैं कि इस PDF में क्या है। अभी तक केवल मुझे भोपाल के ही वेबसाइट पर ये देखने को मिला है, तो इसे हम देखते हैं, डाउनलोड करते हैं PDF को। और ये PDF अभी डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि इस PDF में क्या है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि परीक्षा जो केंद्र पे बच्चे जा रहे हैं एग्जाम के लिए, मोबाइल, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब लेके जाना नहीं है, तो ये तो आपको पहले से पता है। और धात्विक कपड़े या वस्तु इत्यादि लाना व या आभूषण पहनकर जाना सख्त मना है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और उस उपयुक्त निर्देश केंद्रीय रोजगार सूचना तथा उम्मीदवार के प्रवेश पत्र में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ केवल आपको बताया गया कि आभूषण पहनकर नहीं जा सकते, जैसे ईयर रिंग हो गया, अंगूठी हो गया, कुछ भी आभूषण आपको पहन के नहीं जाना, मेटल का कुछ भी सामान आपको लेके नहीं जाना है एग्जाम नेशन हॉल के अंदर, यहाँ तक पेन आपको लेके भी नहीं जाना है। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार उपयुक्त निर्देशों का ध्यान आभूषण इत्यादि पहनकर परीक्षा देने जा उपस्थित हो रहे हैं, तो इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा और उन्हें आभूषण के साथ अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेलवे ने पहले भी सख्ती करता था, इस बार भी सख्ती किया जा रहा है, ज़्यादा सख्ती किया जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। जल्द ही आप लोग को फेज 4 का भी देखने को मिलेगा कि फेज 4 का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अब नोटिस रेलवे ने जब डाला है तो इसके बारे में भी नोटिस आपको हो सकता है कि 5 तारीख या 4 तारीख को मिल ही जाएगा। कल ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांस है कि कल ही आप लोग को अपडेट मिल जाए कि चौथे फेज का एग्जाम कब तक होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अपडेट है। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।